प्रदेश में कोरोना महामारी को लेकर बंद हुई टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए एक अच्छी खबर है। प्रदेश में 1 जून से पर्यटन स्थल, नेशनल पार्क, सफारी सैलानियों के लिए खोल दिए जाएंगे। इसके लिए गाइडलाइंस भी तैयार की गई है। शुरू में स्मारकों में प्रवेश निःशुल्क रखा जाएगा। आपको बता दें कि प्रदेश में कोरोना के संक्रमण के चलते लॉकडाउन लागू किया गया। पुरातत्व विभाग के निदेशक प्रकाश चंद्र शर्मा ने इस पर बताया कि 1 जून को राजस्थान पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के स्मारकों पर लोक कलाकार कार्यक्रमों की प्रस्तुति देंगे और कहा कि पहले और दूसरे सप्ताह में 4 दिन निर्धारित समय अनुसार पर्यटकों के लिए प्रवेश निःशुल्क रहेगा। इसी के साथ सभी पर्यटकों के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग भी अनिवार्य रहेगी। कोरोना महामारी के चलते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में राजस्थान के समस्त संग्रहालय और स्मारक 18 मार्च 2020 से बंद कर दिए गए थे। अब काफ़ी समय हो चुका है। राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार द्वारा औद्योगिक और कॉमर्शियल गतिविधियां प्रारंभ कर दी गई है। हमारे द्वारा भी राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा गया था कि 1 जून से समस्त स्मारक एवं संग्रहालयों को खोलने का स्वीकृति दी जाए। सक्षम स्तर से हमें स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। 1 जून 2020 से हमारे समस्त संरक्षित स्मारक और संग्रहालय आम पर्यटकों के लिए खुल जाएंगे। 1 तारीख को जो हमारा कार्यक्रम है वो केवल लोक कलाकारों को आमंत्रित करके प्रचार प्रसार करना है, लोगों को जागरूक करना है। कोरोना संक्रमण के कारण प्रदेश में 18 मार्च से बंद पड़े सभी राजकीय संग्रहालय और स्मारकों को 1 जून से खोलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। राजस्थान पुरातत्व विभाग के निदेशक प्रकाश चंद शर्मा ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कर जो है इन स्मारकों को खोलने के आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस गाइडलाइन में जो है कई तरह के इंतजाम करने के भी आवश्यक निर्देश दिए गए हैं, जिसके मुताबिक सबसे पहले पर्यटकों की एंट्री है वो थर्मल स्कैनिंग के बाद की जाएगी। इसके अलावा मास्क या हैंड सैनिटाइज जैसे तमाम इंतजाम किए जाएंगे। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ख्याल रखा जाएगा, जिसमें सीमित मात्रा में पर्यटकों को संग्रहालय या स्मारकों में प्रवेश दिया जाएगा। इसके बाद जो है उनके बाहर आने के बाद जो है अन्य लोगों को प्रवेश दिया जाएगा। इसके अलावा जो है खास बात यह है कि 1 जून से जो ये स्मारक और संग्रहालय शुरू होंगे उसमें प्रथम और द्वितीय सप्ताह में जो है पर्यटकों का प्रवेश निःशुल्क रहेगा और इसके अलावा इन पहले और दूसरे सप्ताह में केवल 4-4 दिन ही जो है ये खुलेंगे। इसके बाद जो है तीसरे सप्ताह में जो है पर्यटकों को 50% की जो छूट दी जाएगी ये छूट 31 अक्टूबर तक रहेगी, यानी 50% जो अभी शुल्क है उसमें छूट दी जाएगी, क्योंकि पर्यटन उद्योग जो है लगातार लॉकडाउन के कारण बंद पड़ा था, तो उसको दोबारा पटरी पर लाने, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सरकार ने ये जो है प्रयास किया है। इसके अलावा कर्फ्यू और कंटेनमेंट जोन है उसमें जो है खास तौर से सरकार की गाइडलाइन है, उसके मुताबिक ही जो है यहाँ पर सारे तरह के इंतजाम किए जाएंगे। जैसी गाइडलाइन है उसी के मुताबिक कर्फ्यू और कंटेनमेंट जोन के लिए अलग तरह के निर्देश जो है वो रखे जाएंगे। इसके अलावा लॉकडाउन के बाद जो पर्यटन उद्योग है जिसको लगातार नुकसान हो रहा था, तो उससे जुड़े व्यवसाय से जो लोग हैं उनके लिए एक उम्मीद की किरण है कि दोबारा राजस्थान का टूरिज्म जो है पटरी पर लौटेगा, तो उनकी रोजी रोटी पर जो संकट आ गया था पिछले लंबे समय से, तो वो दोबारा एक बार फिर जो है जिंदगी पटरी पर लौटने की उम्मीद कर रहे हैं, तो राजस्थान के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि राजस्थान पर्यटन के लिहाज से एक बहुत बड़ा जो है राज्य सरकार के लिए आय का स्रोत भी होता है। साथ ही टूरिस्ट जो कि लगातार लॉकडाउन हो गया था, करीब 70 दिन का वक्त बीत चुका है, तो इस दौरान जो है लॉकडाउन में ये सभी तरह के व्यवसाय इससे जुड़े हैं वो बंद थे, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से लोगों को एक बार दोबारा अपनी ज़िंदगी पटरी पर लाने के लिए एक अच्छी खबर राजस्थान के लिए कही जा सकती है। कैमरा पर्सन रामकिशन सैनी के साथ हनुमान सिंह चारण, A1 TV जयपुर।